हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अगला टाइप पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो तक आप लोग को जितना पढ़ाया था वो नेचुरल वेजिटेटिंग था या नेचुरल वेजिटेटिंग प्रोपेगेशन था, जिसमें आप लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, रूट, लीव, बुलबिल से रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब आप लोग का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अगला टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था, मतलब जो नेचर में अपने आप होता हो। अब दूसरा पॉइंट आप लोगों का है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये ऐसा आपको नाम से ही लग रहा होगा कि, देखिए, ये आपको नाम से ही लग रहा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य के द्वारा किया जाए, तो ऐसा रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जिसमें मनुष्य या ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व हो, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कराने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से मदर प्लांट से बेबी प्लांट को अलग किया जाता है ताकि नई किस्म की प्रजातियों को बनाया जा सके। तो इसके तीन तरीके हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहला आप लोगों का है कटिंग। तो आज हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पहला टाइप पढ़ेंगे, कटिंग। कटिंग का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। कटिंग मतलब होता है कलम लगाना। जैसे आप लोगों ने कलम गुलाब में लगाते हुए देखा होगा, कटिंग उन पौधों में किया जाता है जिनमें बीज नहीं बनती है। तो ऐसे पौधों में उसके स्टेम, रूट, लीफ, इस चीज़ को मेन पेरेंट प्लांट से काट के अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसमें कुछ दिन बाद जड़ें निकलने लगती हैं और वो एक नए पौधे को जन्म देता है। तो मोस्टली कटिंग जो होती है इसमें आप ह्यूमन इन्वॉल्व है, मतलब आप इसको काट के नया पौधा बना रहे हैं, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आएगा। तो अब देखिए, हम आप लोग को बताते हैं कि कटिंग कैसे होती है। कटिंग में देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्लांट का स्ट्रक्चर दिया गया है, फिगर के ज़रिए समझाया जा रहा है कि कैसे कटिंग करी जाती है। सबसे पहले देखिए, एक बीकर दिया गया है, इसमें सॉल्यूशन दिया गया है और एक प्लांट का स्टेम जो है वो काट के इसमें रख दिया गया है। उसके बाद कुछ दिन बाद देखिए, इसमें रुई लगाई गई, कुछ दिन बाद यहाँ पर देखिए एडवांटीसियस रूट जो है वो निकलने लगी। तो इसका मतलब हुआ ये आपने मदर प्लांट से काटा, काटने के बाद इसको सॉल्यूशन में रखा या रुई में भिगो के रखा जिससे नमी बनी रहे और पौधे में उसमें जड़ें निकलने लगे। तो इस तरह कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें जड़ निकलने लगेगी और जड़ जब निकलने लगेगी तो इस पौधे को फिर हम लोग अलग कर देंगे और इससे अलग पौधा बना लेंगे, लगा लेंगे। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है वो कटिंग कहलाएगा, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन बाय कटिंग। अब इसका एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देते हैं कि कैसे, किन किन पौधों में कटिंग की जाती है। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधों में कटिंग की जाती है जिनमें मोस्टली फूल नहीं बनते हैं और बीज नहीं बनती है। जैसे गुलाब, गुलाब में फूल तो आते हैं लेकिन उसमें बीज और फल नहीं बनते हैं। तो इस वजह से जब बीज नहीं होगी तो उसमें आप रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते नेचुरल, तो इसलिए वहां पे उसके तने को काट के अलग कर दिया जाता है। अब देखिए, इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल हैं जिसमें कटिंग की जाती है, जैसे शुगर केन, गन्ना। गन्ने में भी देखिए फ्लावर या उस तरह से फ्रूट या ऐसा कुछ नहीं आता है, तो उसके भी तने को तिरछा काट दिया जाता है और काटने के बाद उसको नया उससे पौधा लगा देते हैं, वहां से जड़ें निकलने लगती है। रोज, गुलाब, ग्रेप्स मतलब अंगूर की कुछ प्रजातियों में, टैपियोका, कोलियस, बुगनवेलिया, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनमें स्टेम, रूट या लीफ को कट करके उससे नए पौधे को उगाया जाता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और आर्टिफिशियल का भी कौन सा टाइप है, कटिंग। तो अब आप लोग इतना आप लोगों को तैयार करना है, अगला टॉपिक हम आप लोगों को जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के ही और कितने टाइप होते हैं। अभी आप लोगों ने जो आज पढ़ा ये कटिंग था, अब आप अगले टॉपिक में हम आप लोगों को लेयरिंग और ग्राफ्टिंग पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसको, कटिंग को तैयार कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम आप लोगों को लेयरिंग और ग्राफ्टिंग पढ़ाएंगे। थैंक यू।